महाराष्ट्र में बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही पार्टी ने मेधा कुलकर्णी और अजीत गोपछड़े को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद चौहान मंगलवार को बीजेपी में शामिल हुए थे। राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर अशोक चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी का आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही पार्टी ने मेधा कुलकर्णी और अजीत गोपछड़े को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद चौहान मंगलवार को बीजेपी में शामिल हुए थे। राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर अशोक चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी का आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही पार्टी ने मेधा कुलकर्णी और अजीत गोपछड़े को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद चौहान मंगलवार को बीजेपी में शामिल हुए थे। राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर अशोक चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी का आभार व्यक्त किया।